शायद यहाँ ट्रस्ट लेवल नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक डायरेक्शन नहीं की। मैं वीडियो डायरेक्ट करता हूँ, मैंने ड्रामा भी डायरेक्ट किया है, बट फिल्म अभी तक मैंने डायरेक्ट नहीं की। बिल्कुल, बट आई वुड लव टू डायरेक्ट फिल्म, क्योंकि शायद वो मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हूँ। सर, राज कपूर साहब म्यूजिक को इतना समझते थे कि रिकॉर्डिंग से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग तक वो खुद सर पर खड़े रहते थे। लेकिन सर, जब हीरोइन लेने की बारी आती थी तो हमेशा वो ऐसी हीरोइन चूज करते थे जिनमें के चन्नाम है, पद्मिनी कोल्हापुरी साहिबा हैं, मंदाकिनी जी हैं, जीना तमान साहब है, जिनका डांस वीक था। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक थी? असल में वो अपना कैरेक्टर देखते थे, मुझे उस कैरेक्टर में कौन आदमी सूट करता है, चाहे उसे डांस आता है या नहीं आता। और जिस तरह से वो उसको एक्सपोज करते थे, तो वो आपको लगता है किसी फिल्म में कि वो कोई मिसकास्टिंग हुई है? नहीं, नहीं। तो वो कास्टिंग के मास्टर आदमी थे। और म्यूजिक की बात जहाँ कर रहे हैं ना, मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें लता जी बैठी हुई हैं, दुनिया की एक खास खातून, और वो बाजे पे लता जी को अस्थाई सुना रहे हैं और कह रहे हैं, चिट्ठी दर्द फिराक ये राज कपूर साहब कह रहे हैं। ओए, 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 जिस डायरेक्टर को इतनी सेंस होगी कि ऐसे सुर लगना चाहिए, वा, वा, वा। वो कितनी सुरीली फिल्म बनाता होगा। वा, वा, क्या वा, बात? उसकी फिल्म में सुर बिखरे हुए होते थे। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि राज कपूर साहब के बाद संजय लीला भंसाली साहब में वो झलक नजर आती है? क्या बात है, क्या बात। वो बेसिकली कोरियोग्राफर हैं। वाह वाह वाह। एक गाना आंखों की गुस्ताखियां, जी जी, आप देखिए, उस गाने को पिक्चराइज करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। क्या बात, क्या बात। किसी भी कोरियोग्राफर को इतनी हसीन जो डिवीजन उसने की है, वो संजय लीला भंसाली कर सकते हैं। वो मेरे पसंद के लोग हैं, वो म्यूजिक को भी इतना समझते हैं, डायरेक्शन को भी इतना समझते हैं, फोटोग्राफी को भी इतना समझते हैं, कैमरा एंगल को इतना समझते हैं, तो वो एक कंप्लीट पैकेज का नाम है संजय लीला भंसाली। आप भी तो बताइए ना, आपने किस किस सिचुएशन में परफॉर्म किया है? मेरी जिंदगी बड़ी दुख भरी दास्तान है। आए। आज जी देखो, सभी स्थान थे मेट्रो बोल दे सेल में देवी इश्क मेरा ना हो तो इबादत तू मोहब्बत तू इबादत मोहब्बत तेरा दिल मेरी जा है इश्क मेरा ना चौठे महला संग टकराया चौठे मैते महला संग टकराया मैनू मोहसिन भाई, जिस गाने पे आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्या बात है जी आपकी, आप आला फनकार हैं। क्या बात? लेकिन इस गाने पे जो असल में जो आलिया बेगम ने और वहीद मुराद साहब ने जो परफॉर्म किया है, एक ऐसा हमीद चौधरी साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह करे, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे, उन्होंने वो गाना पेशाइज किया। और आलिया बेगम जब उठे थे ना ऐसे, जब कहते हैं मिट्टी बिछों उठे मैं थे महला संग टकराया वो ऐसे उठी हैं जैसे एक शजर नहीं निकलता एक जमीन से। भाई मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये देखे मेरे ब्रोंके खड़े हुए हैं। वो इतने बड़े लोग थे, इतना अच्छा काम करके गए। आलिया बेगम ने जितना अच्छा परफॉर्म इस फिल्म में किया है, मेरे ख्याल से
मैंने पूरी जिंदगी में इतना अच्छा कोरियोग्राफ्ड गाना नहीं देखा। भाई बहुत बढ़िया बात। सर प्रभु देवा, फराह खान और रेमो डिसूजा सारे कोरियोग्राफर्स से डायरेक्टर्स बन गए, आपको कभी डायरेक्शन की तरफ आने का ख्याल नहीं आया? बिल्कुल आया। देखिए वहाँ लोग ट्रस्ट करते हैं, शायद यहाँ ट्रस्ट लेवल नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक डायरेक्शन नहीं की। मैं वीडियो डायरेक्ट करता हूँ, मैंने ड्रामा भी डायरेक्ट किया है, बट फिल्म अभी तक मैंने डायरेक्ट नहीं की। बिल्कुल। बट आई वुड लव टू डायरेक्ट फिल्म, क्योंकि शायद वो मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हूँ। वाह वाह, सही कह ले, अच्छे लोग ट्रस्ट कर देने, अच्छे जे लोग ट्रस्ट अस्पताल च दाखिल करा देने। सर आपकी इस बात से मैं 110% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैंने भी जो थोड़ी बहुत फिल्म्स की हैं उसमें भी, और यकीनन आपके होते हुए तो किसी की हिम्मत नहीं होती होगी कि वो डांस के लिए कैमरा जो है वो फिट करे और फिक्स करे और रखवाए, तो यकीनन आपने वो डायरेक्टर ऑलरेडी बाय बर्थ है, क्योंकि आप उसको, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोरियोग्राफर ही गाने को एडिट भी करवाते हैं खुद। पूरी पूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये फिल्म बनती है ना, तो यहाँ पे जितने भी कोरियोग्राफर हैं वो ही उस पार्ट के डायरेक्टर वो होते हैं। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जो दूसरे डायरेक्टर होते हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, वो अपनी पूरी फिल्म के 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म के डायरेक्टर होते हैं। बट जो गाने की जो डायरेक्शन होती है वो कोरियोग्राफर ही करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं को बेहतर पता होता है कि मैं किस एंगल से इस एक्टर को शूट कर सकता हूँ, और वो कोरियोग्राफर नहीं है जिसको कैमरा रखना नहीं आता। क्या अच्छी बात है। सर आपने कभी गौर किया वैसे कि अक्सर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि सरहद पार अगर हम देखते हैं, कपिल शर्मा साहब जो हैं वो अक्सर हुसैन बख्श गुल्लू साहब की या फिर गुलाम अली साहब की कोई ना कोई गजल, कोई गीत, कोई ठुमरी, कुछ ना कुछ अपने शो पर गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन क्या हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के, उन्हें मुमानियत है सर, उन्हें एहतियात बताई गई है इन कलामों से? अपने बुजुर्गों को याद करना बड़ा जरूरी है। जब आप अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं आप अपनी शनाख्त भूल जाते हैं। ये है बात। क्या बात? हमारे बुजुर्गों जैसे तो बुजुर्ग है ही नहीं कहीं, ना ही कहीं रेशमा है, ना ही मैडम नूर जहां है, ना ही मेहंदी हसन साहब हैं, ना तुफैल नियाजी हैं। दुनिया में कहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये लोग नहीं है, ये एक ही थे और एक ही हैं। अगर आप इनको फॉलो करके आगे नहीं आ सकते तो इसका मतलब आप लूजर हैं। अपने एहसास से छू कर मुझे कथक कर दो, मैं तो सदियों से अधूरी हूँ, मुझे क्लासिकल कर दो। वाह 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 वाह। आपको क्लासिकल तो शायद मैं ना कर सका, आपको मैं हिप हॉप जरूर कर दूंगा। हुर्रे। मेरी पांच जी ने एक लव स्टोरी फिल्म की थी सी मोशन। रियली? हां, जेडी ऑडियंस हाल चांदी सी ना, वो जादू टूने ते पढ़ाइयां करदी सी कि या अल्लाह हीरो दी जान छड़ देवे।